जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में 12,500 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसकी तैयारी चल रही है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, किन किन पदों पर यह भर्ती होने वाली है, क्या महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने पद टोटल आ रहे हैं, किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी होगी, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये आज ही की न्यूज आई है, आज ही की न्यूज है ये, आपको मैं बता दूं। इसमें आप हेडिंग पढ़ लीजिए, ऊपर क्या लिखा है कि चुनावी साल में होगी बंपर भर्ती, पुलिस में 12,500 पद भरने की तैयारी, 2 महीने से चल रहा प्रस्ताव पर काम, जल्द होगा भर्ती का ऐलान। तो दोस्तों, 2 महीने से मैंने आपको बताया था, अगस्त में जो भर्ती आने वाली है एमपी एसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसी को लेकर 2 महीने से प्रस्ताव पर काम चल रहा था। भर्ती का ऐलान जो है जल्दी होने वाला है। रूल बुक बनाकर जो पुलिस मुख्यालय है उसने पीबी को भेज दी है, यानी कि व्यापम को भेज दी है। अब व्यापम जल्दी ही अपने परीक्षा शेड्यूल के हिसाब से इसका नोटिफिकेशन जो है जारी करने वाला है। डीएसपी के 367 और 278 आपके निरीक्षकों के पद खाली हैं। अब एक ये लाइन पढ़िए, 4,000 महिलाओं को मिलेंगे पद। इस भर्ती में महिलाओं के लिए भी लगभग 4,000 पद निकलेंगे। प्रदेश में महिलाओं को आरक्षक भर्ती में 33% का आरक्षण दिया जा रहा है, 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इस भर्ती में यदि महिलाएं फिट पाई गई तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस महकमे में पहली बार महिलाओं की भर्ती होगी, इतने बड़े पैमाने पर, है ना। इतना आप देख सकते हैं, आज ही की न्यूज है, है ना। और 12,554 जो पद है उस पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और जल्दी ही जो है अगस्त जुलाई अगस्त के महीने में ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, और चुनाव से पहले पहले इसके एग्जाम्स जो हैं हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी तो ना वैकेंसी आएगी ना कुछ आएगा। तो आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले ये भर्ती जो है दोस्तों वो आ सकती है, इलेक्शन से पहले ही ये भर्ती आ सकती है। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 12,500 पद कम नहीं होते, इतने सारे पदों पर ये भर्ती आने वाली है। इसमें आप मान के चलिए 7,500 से ऊपर कांस्टेबल के पद रहेंगे, याद रख लीजिएगा, 7,500 से ऊपर कांस्टेबल के पद रहेंगे। एमपीएसआई के पद आप मान लीजिए 500 के लगभग एमपीएसआई के भी पद आने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इतने बड़े पैमाने पर ये भर्ती हो रही है, क्योंकि 2017 में एमपीएसआई आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। कांस्टेबल भर्ती की अभी पूरी चयन प्रक्रिया पूरी हुई, सब लोग जो बच्चे थे वो ट्रेनिंग पे चले गए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी करेंगे, आप लोग भी जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे जाएंगे ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और उसको कैसे क्वालिफाई करना है, तो ऑल एग्जाम प्लेस लाया आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सिर्फ आपके लिए ऑफर है ये, पूरे मध्य प्रदेश में इतने कम में शायद ही कोई चला रहा होगा। एमपीएसआई का कोर्स 299 रुपए में और एमपी कांस्टेबल का कोर्स 199 रुपए में, कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी, जिसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको सब मिलना है। फ्री डेमो के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोई भी डाउट होता है नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हम इसमें करवाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। कोई भी समस्या है नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, कोई भी जानकारी चाहिए हो कमेंट जरूर कीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।